खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। रूपवास कस्बे के ब्रजेंद्र कॉलेज में वीरांगना रूप कुंवर जनमंच का आयोजन, बसंत पंचमी के अवसर पर काव्य गोष्ठी का आयोजन प्राचार्य अनिल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया गया। संचालन कवि मनोज मधु ने किया, योगेश कौशिक द्वारा की गई। गोविंद सिंह परमार ने कहा, लाल किला क्यों हुआ कलंकित, यह समझाता हूँ। गीतम सिंह परमार ने कहा, यामे पाओ पसारो ऐसो जाड़ो बज मारो है। कवियों ने अपनी अपनी बात रखी। माँ वाणी का जन्म दिवस है, मेरी एक रचना प्रस्तुत है छंद विधा में और ये ब्रज भाषा में है। कि ऋतु राज बसंत है आज, छाए रहो है आनंद घनेरो, चहुं ओर मचो है शोर मधुर मन मोर, नाच रहो मेरो ज्यों घायल राधा की पायल ने कृष्ण कन्हैया टेरो। खग गावे गान सुनावे मोहक करें कदम्ब बसेरो, कि ठंड गुलाबी कह रही भाभी मन मेरे भाई रही है। घर के जिया परदेसी पिया साजन की याद सताए रही है। कछु ब्रिज वाला घोड़े दुशाला मंगल गीत सुनाए रही है। मधुर सुहावने रात चांदनी पे बैरने बदरी छाए रही है, बैरने बदरी छाए रही है। मैं आपके समक्ष कोरोना काल की एक शादी की, जो मैंने अपने शादी का एक व्याख्यान एक छोटी सी कविता में किया है, वह सुनाना चाहता हूँ। न हल्दी की रसम, न घूरे का पूजन, न मंगोड़ी पापड़, न तेल बेसन की उपटन, न महिला संगीत, न माड़ा लगन, न लड्डू की परात, न दरी जाजम कनात, नाच न गाना सूनी मेहंदी की रात, न दरवाजा सजा, न मामा का भात, न घुड़चड़ी, न बैंड बाजा बारात, न जनवासा, न मिलनी, न वरी जेवर, न छाप, न आतिशबाजी, न रोशनी, न डीजे की धूम, न पंजाबी ढोल की थाप, न छतों से बारात को निहारती आंखें, न बुजुर्गों को बाधा की बारात को ठेलने की कोशिश, न भांगड़ा, न रसिया, न नागिन सपेरे की टुपेश, न रबड़ी, न छेना, न टिकिया का दोना, न रिश्तेदारों का रूठना मनाना, न मटर, न पनीर, न मलाई कोफ्ता, न सालियों की ठुटोली, न जूता चुराई, वरमाला भी हुई, दुल्हन भी शर्माई, दूल्हा भी मस्काया, इन यादगार पलों पर कंबख्त मास्क ग्रहण बन के छाया, जट फेरे पट विदाई, वारे कोरोना शादी हुई है जमानत। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।